हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्लास 8 वसंत पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के प्रश्न उत्तर। पहला है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को मदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाया करता था क्योंकि उसे वहाँ रहने वाला बदलू मनिहार रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करता था जो उसे बहुत ही प्रिय थी। वह बदलू मामा कहने के बजाय बदलू काका इसीलिए कहता था क्योंकि उसके मामा के गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। इस प्रकार वस्तुएं पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तुओं से ही वस्तुओं का लेन देन करते हैं। बदलते समाज में आज वस्तुओं से वस्तुएं नहीं खरीदी जाती है। आज ऐसा करना संभव नहीं है, इसीलिए रुपए पैसों के बदले वस्तुएं ली दी जाती है। प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? पंक्ति के माध्यम से मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी और बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। चूंकि सैकड़ों मनुष्यों का काम करने के लिए केवल कुछ ही मशीनें काफी हैं, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर बेकार हो जाते हैं। वे बेरोजगार होकर भूखे मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया गया है। 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना जा सकी? चूड़ियां बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छिन चुका था। वह उपेक्षित, असहाय तथा लाचार हो गया था। जिन गाज की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी, वही हर ओर दिखाई पड़ रही थी। अब कारीगरी के बदले कम सुंदरता तथा चमक को महत्व दिया जा रहा है। यह व्यथा लेखक से छिपी ना जा सकी। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन पर क्या प्रभाव आया या फिर बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया, वह बेरोजगार हो गया, उसे गरीबी में जीवन बिताना पड़ा, उसे अपने गाय बेचनी पड़ी, वह कमजोर तथा वृद्ध हो गया, उसके माथे पर नसें उभर आई, वह बीमार तथा चिंतित रहने लगा। कहानी से आगे, अब आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय पर लिखिए। मैंने मेले बाजार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन तथा सफ़ेद मोमबत्तियाँ, हाथ के पंखे, जूट के बने सामान देखे हैं। ये सामान अत्यंत मनमोहक होते हैं। मैंने एक कलाकार के पास जूट से बने सामानों को बनाना सीखना शुरू कर दिया और लगभग 6 महीने सीखने के उपरांत मैं अपने आप सामान बनाकर बेचने लग गई। इससे मुझे अतिरिक्त आमदनी होने लगी। दूसरा, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। उत्तर, लाख से बनी वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि में होता है। लाख से सुंदर सुंदर खिलौने, घर की सजावटी वस्तुएं, आभूषण, मूर्तियां, चूड़ियां, डाक खाने में मुहर तथा पैकिंग स्टील बनाई जाती है। यही पर हमारा क्लास 8 पार्ट 2 लाख की चूड़ियों के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।